media and ideology basically we as the student of political sociology we are familiar that there are normally two common perspectives and theoretical perspectives regarding media and ideology these are mainly known as the marxist approach and the pluralist theory these two schools these two perspectives

एलिट क्लास प्रमोट देअर इंटरेस्ट एंड बिकम देअर सेवियर एलीट जो है उसके इंटरेस्ट को नॉर्मली मीडिया डिफेंड करता है और वही उनको बचाता भी है यानी मीडिया का पर्पज़ क्या बन गया है कि जो टॉप पर है जो एथॉर्टी में है जो एलीट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए बल्कि उसके इंटरेस्ट को डिफेंड करना है एंड स्पेसिफिकली जो माशरे के अंदर जो वेरियस क्लासेस हैं उन सब के अंदर भी मास मीडिया के साथ फैसिलिटेट करते हुए दे वांट टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ द एलीट देन द रूलिंग क्लास दे नॉर्मली यूज़ द मीडिया टू इंट्रोड्यूस एंड टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी जो स्पेसिफिक एक खास अलार्मिंग बात है जो मार्क्सिस थेरी में डिटेल से एक्सप्लेन की गई है कि जब कोई रूलिंग पार्टी है जो वो कम्युनिकेट करना चाहती है अपने लोगों को अपने ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो वो बकायदा मीडिया पर कंपेन चलाती है ताकि लोग उनकी बात को माने भी और लोग उनकी बात को फॉलो भी करें लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म भी है डेफिनेटली दैट मार्क्सिस्ट एक्चुअली दे एक्जैजरेट द मीडिया एलिट टैक्सेस इन इंट्रस्ट आर्टिकुलेशन कि इस जो फिलॉसफी है इसके अंदर स्पेशली ये बात गलत है कि जो एलिट है सिर्फ उन्हीं का पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों तक कम्युनिकेट होगा और उनके अपोजिट जो नुकतः नज़र है वो लोगों तक प्रमोट ना किया जाए जो प्लोरिस्ट फिलासफ़ी है जो प्लोरस्ट थेरी है दे बिलीव डेट मीडिया प्रोवाइड्स एक एंड बैलेंस कवरेज टू डिफरेंट क्लासेज ऑफ द सोसाइटीज़ दे रिजेक्ट फेवटिज्म ऑफ अ स्पेशल क्लास और इंडिविजुअल दे मेक श्योर द एक्सेस टू मीडिया ऑफ बोथ द ऑफिशियल एंड वॉइस फ्लोरिस थेरी वालों का ये ख्याल है कि मीडिया का जो परपज़ जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि एक ख़ास परस्पेक्टिव को ही लोगों तक पहुँचाया जाए यानी जो बात किसी की फेवर में है हुकूमत की फेवर में है एलिट क्लास की फेवर में है वो तो मीडिया पर प्रोजेक्ट की जाए लेकिन जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनको दबा तो दिया जाए कि ये नुकतः नज़र जो है ये ठीक नहीं है और ये आम तौर पर ये पॉपुलर भी नहीं है लेकिन इस आ, जो थेरी पर जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं दे थिंक दो चीज़ें एट अ टाइम नहीं हो सकती डेफिनेटली किसी एक परस्पेक्टिव को तो प्रमोशन मिलनी है क्योंकि कैसे बैलेंस रखा जा सकता है और ख़ास तौर पर जो मेनपुलेट करेगा मीडिया को यानी मीडिया का भी तो इंटरेस्ट होगा ना किसी के साथ लिंक्ड होगा मसलन अगर कोई हुकूमत में है तो हुकूमत मीडिया को बहुत सी सहूलतें दे सकती है ठीक है या वो लोग जिनके पास रिसोर्स हैं दे कैन इन्फ्लुएंस द मीडिया फॉर देयर ओन परपज अगर कोई मीडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं मीडिया, है, मीडिया के अंदर ज़ाहिर एडवर्टिजमेंट रिक्वायर्ड होते हैं मीडिया के चैनल्स को चलाने वाले लोगों को भी तो कुछ रिसोर्स चाहिए ना अब जिनके पास रिसोर्स हैं वो फिर मीडिया को अपनी फेवर में यूज़ करेंगे तो ये इस थ्योरी के ऊपर एक बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म है कि एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट या बैलेंस्ड मीडिया जो है वो आजकल के दौर में जब मीडिया को भी अपनी एक्जिस्टेंस के लिए अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी प्रमोशन के लिए रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं तो देन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन द टोटल इंडिपेंडेंस एंड अ बैलेंस्ड अप्रोच टू कवर ऑल द एलिमेंट्स इक्वली यानी ये तो हो सकता है कि एलिमेंट्स को कवर cover, कवरेज मिल जाए लेकिन उनमें बैलेंस कैसे रखा जाएगा कि कोई भी पार्टी जो है उससे अगर मफादत नहीं मिल रहे तो मीडिया ख़ुद अपने वजूद को अपने सर्वाइवल को एट स्टेक रखना रख रहा है तो जाहिर है कि मीडिया ने आज के दौर में अगर कम्पीट करना है परसू करना है और अपने आप को ग्रो करना है तो उसकी डिपेंडेंसी भी उन्हीं लोगों पर होगी जो उसको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे और ये जो गेम है ये हमें आइडिया है हमें मालूम है कि ये पूरी दुनिया के अंदर चलती है कि मीडिया के लिए इंतहाई मुश्किल है टोटल इंडिपेंडेंस और टोटली कि वो हर एक को प्रॉपरली बराबर डील करे या इक्वली डील करे तो इस सिचुएशन के अंदर जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं वेरियस अप्रोच हैं उनकी अहमियत अपनी जगह लेकिन इन सब सिचुएशंस के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है ये बहुत मुश्किल है